बात करें, कोई पार्टी की मीटिंग नहीं, कोई जलसा नहीं, जुलूस नहीं, कोई भाषणबाजी नहीं, कोई नारा नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई जुलूस नहीं। मकसद सिर्फ ये है कि इस तरह की चीजों में क्या होता है, जो मुद्दा है वो खो जाता है। मुद्दा ये है कि हम लोगों की कमजोरी कहिए, बेवकूफी कहिए, हमारा बढ़ जाना कहिए, जैसे भाई ने कहा वो भी सही है, आपने जो कहा वो भी सही है। फर्क इतना है कि उनको 6 दिख रहा है, आपको 9 दिख रहा है, और मुझे 96 दिख रहा है। बस यही फर्क है। आप भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, कोई गलत बात आपने नहीं कही, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और वो भी ठीक है कि कहीं ना कहीं तो भूल होती है कि वोट बढ़ जाते हैं। वोट बढ़ना नहीं चाहिए। इस बार पहले से हम लोग तहैया कर लें, पहले से मन बना लें, अगर हमारे मन में कोई बात है तो यही वक्त है उस गलतफहमी को दूर करने का। कोई गलतफहमी दिल में ना रहे, कोई ऐसी बात ना रहे कि जिस वजह से बाद में हमको दुख हो या अफसोस हो। बाहर से आकर के वो 2 बार से सांसद बना बैठा है इंसान, आता तक नहीं इलाकों में, झांकता तक नहीं। इसी इलाके की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो बहुत दूर से चलता आ रहा हूं, बहुत सारे इलाकों को देखता आ रहा हूं। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के इलाकों की बात कर रहा हूं मैं। सब परेशान है, सब दुखी है। मजेदार बात यह है कि हमको ये बताया जा रहा है या हमको ये लगता है कि वो खुश है, लेकिन खुदा की कसम यकीन जानिए, मस्जिद में बैठा हूं मैं, मदरसे के हाथे में हूं, दूसरे लोग भी इतने ही बदजन और परेशान है इनसे। मगर फर्क क्या है, लोग डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं। अभी आपने सुना ही है, देखा है, इलाके का ही मामला है, इस घर का नहीं है और आसपास के गांव का है, कि लड़का कोई कांग्रेस करता था, मुसलमान लड़का है, उसको उठा लिया कि इमरान खान जिंदाबाद का कोई नारा लगा, पुलिस ने उठा के बंद किया, है ना। क्या किया फुरकान अंसारी साहब ने उसके लिए, मुझे बताइए, या दीगर किसी मुसलमान रहनुमा ने क्या किया? अब हमसे पूछिए हमने क्या किया। हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, मरांडी जी ने खास उनके लिए चिट्ठी लिखी, प्रदीप जी के कान में आया, प्रदीप जी ने उनसे कहा, चिट्ठी लिखकर के चीफ मिनिस्टर को भेजा गया कि ये फिर वही मामला हो रहा जो इंतजार आलम के साथ हुआ था। फिर आप वही माहौल बना रहे हैं कि किसी बेगुनाह को पकड़ करके आपने बंद कर दिया, वो लड़का तो हमारा दल नहीं करता, तो कांग्रेस पार्टी करता है, जेएनयू नहीं करता है, अपाहिज लड़का, और इंतजार आलम भी को पार्टी नहीं करते थे, तो हम उसके लिए आगे बढ़े। जो हमारी ताकत है, हैसियत है, कुव्वत है, काबिलियत है, हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। कल प्रदीप जी जा रहे हैं रांची, कोई बैठक है सांसदों की, मैंने विधायकों की, बोले मैं उस कागज को वहां रख दूंगा कि ये कर रहे हैं आप लोग, ये काम कर रहे हैं आप लोग। बोले कम से कम अखबारों में तो मैं लाऊं, मेरे ये पावर में नहीं है कि मैं पुलिस को बोल करके उसको छुड़वा दूं, अभी इतना पावरफुल मैं नहीं हूं, हमारी सरकार नहीं है। जब मुझे पकड़ के बंद कर दिया तो उस लड़के को ही बंद कर दिया, तो कौन सी अजूबा बात है। 6 महीने तो प्रदीप यादव खुद ही रह के आ गए, और उनका कोई बेटा बेटी का मसला नहीं था, उनको बंद कर दिया तो वो मसला कोई उनके अपने बेटा बेटी का नहीं था, कोई साला साली का नहीं था, मसला आपका हमारा था कि तीसरे चौथे को बुला करके दिल्ली से जमीनें उठा करके दे दी जा रही, मालूम होता अब्बा जी की भबोती थी, बांट दो सर, औने पौने दामों में दे दिया जा रहा है पावर प्लांट लगाने के लिए। तो इन चीजों को रोका कैसे जाए, इन पर लगाम कैसे लगे? तो लगाम लगने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उस जगह पहले पहुंचे जहां आप आवाज उठा सके। तो ऐसी किसी भी बेवजह बातों में ना उलझे, ये मेरा मशवरा है, बहुत छोटा हूं मैं आपसे, मेरा मशवरा है, आपसे विनती है, हाथ जोड़ करके
बेवजह की बातों में ना उलझे, मन पहले से बना के रखें क्या करना है, घर वालों को बता के रखें क्या करना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जल से जुलूस में हमारे तरह निकल जाइए, शामिल हो जाइए, ना, आप अपना काम करिए। रोटी रोजी बहुत जरूरी है, अभी हम इस लायक नहीं कि हम आपको रोटी रोजी का कोई मसला हल करा सके कि बेटा बेटी को कहीं नौकरी में लगा दें, ऐसे हमारे हालात नहीं है अभी। लेकिन अल्लाह जिस दिन ये हालात दिखाएगा, खुदा की कसम, अगर मैं खुद इस दरवाजे पर नहीं आया तो मेरे नाम पर कुत्ता पाल दीजिएगा। मैं इस दरवाजे पर आकर के बोलूंगा कि जो 18, 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के बच्चे हैं, उनको कहिए कॉम्पिटिशन में बैठने के लिए, जहां हमारी ताकत ऐसी है तो औकात होगी, हम मदद करेंगे, हम मदद करेंगे। लेकिन आज जो हालात है वो ये है कि एक माहौल तो हम बनाए, इन चंडालों को तो पहले हटाए, दिल्ली से लेके और झारखंड तक क्या हो रहा है सबको मालूम है। अब कहिए नोटबंदी जो करा वो क्या कोई मुसलमानों के लिए था, कोई मुसलमानों को परेशान करने के लिए? नहीं, सबको परेशान किया उन लोगों ने, सब उससे तकलीफ ज्यादा हुए, सब परेशानी में पड़े। ये किसी एक का मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है, हम सब का मरहला है, हमको बैठ के शांति से इसको हल कर लेना है। और हल कैसे होगा, इस बात को याद रखना है आपको, और भूत तक जाना है याद करते हुए। अभी तो अनाउंस भी नहीं हुआ, अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगा, उससे पहले मैं आपके पास बैठा हूं कि मैं चाहता हूं कि ये चीज दिल में आप अपने इस खौफ कहूं मैं इसको, इसको गुस्सा कहूं, इसको उनसे दिलाजारी कहूं, इस चीज को दिल में जिंदा रखिए, इसको जिंदा रखिए। और जब बटन दबाए तो आपको यह ख्याल होना चाहिए, आपके दिल में यह बात होनी चाहिए कि बदलना होगा। और बदल के आप किसको लाएंगे? आप तो बदल के आपको उसको लाना है जो आपका है, जो आप में, हम में से एक है, जिसको खोजना नहीं पड़ेगा, जिसके दरवाजे पर 4 घंटे खड़ा नहीं होना होगा, नाम बताते वो शर्म नहीं आएगी कि मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन आया हूं फला गांव से, कहिए ना नेताजी है घर में, तो दरबान करेगा शहाबुद्दीन, नहीं बाबू तो नहीं है अभी, अंदर बैठ करके कह देगा। तो ऐसे लोगों से बचना है, बचने के लिए आपको ऐसे इंसान को जिताना है जो आपका अपना हो, आपका साथी हो, आपको प्यार करने वाला हो, आपका अच्छा सोचे। उनको तो कुछ चाहिए नहीं, विधायक तो पहले से ही है, विधायक तो पहले से ही है, वो तो कोई नहीं छीन सकता। तो सांसद बनने का जो खास मकसद है वो सिर्फ यही है कि गोड्डा के लोगों के साथ जो हठधर्मी हो रही है, जो जुल्म तशद्दुद का माहौल है, जो लोगों को बांटने की बात हो रही है, एक मैं कहूंगा कि एक वो एकता का जो माहौल है उसको जिस तरह से गंदा किया जा रहा है, तो जहां जहां हम उसको ठीक कर सकते हैं वो तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ठीक कर दें उसको। उनको तो कोई रियासत बनानी नहीं है, प्रदीप यादव को आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपके इलाके का इंसान है, आपके इलाके का लड़का है, उन्होंने तो अपने किसी लड़के को नहीं कहा कि इसको जिता दीजिए, एमएलए